जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यश रूप चरणो शरण हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। अगर उनसे पूछें कि इस पूजा क्या लाभ हुआ तो दो चार बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं, हम नित्य करते हैं हमारे देखा देखी, और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं। अगर उनसे पूछे इसका कोई आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका हमारे सामने रखा, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई हुई तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी दूसरे निराकार। इसमें कोई नई बात नहीं, आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन सब ये होते हुए दोनों रास्ते कायम हैं। आपको आज साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार पुजारी भी नजर आएंगे। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, इसके लिए कुछ गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि अभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो आपका विशेष लाभ नहीं होगा। असल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है और इससे ऊपर उठें। तभी कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, कि ऐसी हालत जितने विचार शून्यता आ जाए, तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार उपासक हुए सभी एक इष्ट के पुजारी थे। संत तुलसीदास राम जी के उपासक थे और इतने बड़े भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश चले गए मंदिर में, मथुरा
जब मंदिर के दरवाजे पर गए, सबने प्रणाम किया, आपने प्रणाम नहीं किया, लोगों ने वो पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम नहीं किया। कहने लगे क्यों नहीं किया, भगवान तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया और आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके, जब धनुष बाण लो हाथ, ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के पुजारी थे, एक इष्ट के उपासक, उसी से सच्ची प्राप्ति होती है। और ऐसा कहते कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया, तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। ऐसे ही सूरदास थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे, उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भये, चित देखूं तित तोए, काकर पाथर ठीकरी भये आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने भी साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, और उसको माने जिसको आत्मा कबूल करे, उसी का सच्चा ध्यान बनेगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे, और उसके बाद यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे पलौती लगाकर, फिर अपने इष्ट को सामने देखे कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए ख्याल से, उसके बाद फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने आपके वैर्म की विचार हैं दुनिया के, वे हटकर मन की तरफ लग जाएंगे। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले अपने सिद्धेव का ध्यान बाहर बनाइए, अपने सामने। जब ध्यान बन जाए तो पवित्र मूर्ति को हृदय में बैठाइए, प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर उस पवित्र मूर्ति पर जमाए, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। और जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क आनंद से भर गया, जितना मस्तिष्क पर भार था हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे उपाय हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, वे क्या करें, वे भगवान के नाम को पकड़ें और उस नाम को छाटे जो उनकी आत्मा चुने, जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे, हिंदी भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड,
तो हर भाई उस प्रभु का नाम राम कोई रहीम लेता ही है। यहां पर भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसको पकड़े, फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पुलाती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखे, आनंदमय अवस्था बनाए और ये ख्याल करें जब आपका हृदय दुख दुख करता है उस हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है, अल्लाह निकल रहा है, जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। ख्याल से शुरू शुरू में नहीं होता, दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं ओम ओम, बड़े प्यार से ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि मन खाली हो जाता है, आपको इस पर सुनाई देता है कि मन हृदय से ओम की आवाज निकल रही है और हम सुन रहे हैं। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, ऐसी आत्मा आत्मविभोर होती है, ऐसी तल्लीन होती है, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब। विचार शून्य अवस्था, जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं और उस समय बड़ा आनंद का एहसास होता है, हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने पूजा का तरीका बताया, यदि हम ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे, धीरे धीरे आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम एकाकार हो जाएंगे परमात्मा में और इसी जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था करते हुए बड़ी अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करते हुए अपना जीवन चक्र करते हुए हम सरलता से और अपना परमात्मा का गुणगान करते हुए बड़े आराम से अपना ग्रस्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। देखिए पूजा तीन प्रकार से होती है, पूजा के प्रकार तीन, पहले शारीरिक पूजा, दूसरा मानसिक पूजा और तीसरा आत्मिक पूजा। हम शुरू करते हैं शारीरिक पूजा से, मंदिर जाना, गीता का पाठ करना, गीता सुनना, प्रवचन सुनना, भजन सुनना, ये सारी चीजें जो हैं ये फर्स्ट स्टेज की पूजा है, शरीर से है। मंदिर जाते हैं, जब तक मंदिर पहुंचते हैं घर गृहस्थ की बातें चलती रहती हैं, आपने भगवान के आगे डोक लगाया, उस टाइम आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होता है और जैसे ही वहां से बाहर निकले फिर गृहस्थ का चक्कर शुरू हो जाता है। तो इसका इन्वॉल्वमेंट है, होता है, मगर इसका इतना फायदा नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरे तरीके की पूजा है मानसिक पूजा, आपने बहुत कुछ सुना होगा, ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, योग, अपनी जिंदगी में ध्यान को जोड़ना, अपनी जिंदगी में योग को जोड़ना, योगिक क्रियाएं जोड़ना, अपने जीवन में आनंद को जोड़ना। आनंद है मेडिटेशन के अंदर, ध्यान के अंदर, किसी भी विषय के अंदर इतना आनंद नहीं है जितना परमात्मा को याद करने में आनंद है। और सच्चा आनंद अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, हमको बहुत सी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है ना, ये सारी चीज़ें भोगने के लिए, आनंद के लिए नहीं। आनंद के लिए
मैं एक स्कूल गया हुआ था हिमाचल के, तो मैंने कहा इमेजिन करो, इमेजिन किया बच्चों ने कि भाई एक लड्डू खाएंगे तो कितना आनंद आएगा, कहते वाह मजा आ जाएगा। मैं कहा दूसरा खाओगे तो क्या होगा, बहुत आनंद होगा। ऐसे ही मेरे आगे भाई लोग बैठे हुए थे, चार दिन का हमारा साउथ का प्रोग्राम था, एक पंडित जी थे हमारे साथ, और जब दसवें दिन वो नाश्ते पर बैठे तो मैंने भाई क्या हुआ, ये तो तुम्हारी प्रिय चीज़ तुम्हारे सामने पड़ी है। कहते हैं भैया जी 10 दिन खा खा के अघा गए, अब हमारा आनंद खत्म हो गया उस चीज़ से। आनंद विषय में नहीं है, आनंद वासना में नहीं है, आनंद अपने मन के अंदर है। आप मन से आनंदित होते हैं, है ना, ना गाड़ी में आनंद है, ना बंगले में आनंद है, ना किसी चीज़ में आनंद है, ना खाने में आनंद है। जो चीज़ से हम अपने मन को एक्टिवेट कर ले उसी में आनंद आना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारा रास्ता ध्यान योग का है, ध्यान से ज़्यादा आनंद की और कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा के चरणों में जितना सुख और आनंद है वो कहीं नहीं है। अब देखिए शरीर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, तो ये मैंने दूसरी तरीके की आपको पूजा बताई, जिसको हम पहली स्टेज तो इन्वॉल्व करते हैं, हम थोड़ा ऊपर बढ़ के काम करते हैं उससे, कि जिससे मनुष्य जन्म का असली आनंद हमको प्राप्त हो। विषय से आनंद ना हो, इंटरनल एक्सपीरियंसेस, इंटरनल ध्यान, ध्यान योग की क्रियाएं करने के बाद जो उसके अनुभव हमारे सामने, परमात्मा का दिया हुआ हमारा शरीर है, और कितना सुंदर हमको शरीर दिया, सारे ग्रंथों ने बड़ा सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया, और कितना बढ़िया योग बना के पैदा किया। जब हम जन्मे तो माँ की गोद थे, सारी जिंदगी भाई बहनों की के साथ खेलते रहे, जब जाएंगे तो बच्चों की गोद होगी, और किसी योनि के अंदर इतना बड़ा सुख, परम सुख प्राप्त नहीं है। इसलिए उसकी आधा घंटा सुबह आराधना करना, और आधा घंटा मॉर्निंग में शुक्राना अदा करिए, शाम को जब समय निकल जाए पूरे दिन का तो उसका धन्यवाद अदा करिए कि हे प्रभु आज का दिन बड़ा सुंदर तरीके से तुमने निकाल दिया। कुछ भी हो सकता था, मेरे से किसी ने पूछा कि डेथ और नींद में फर्क क्या है, मैं कहा बहुत सिंपल फर्क है, एक लाइन का फर्क है। जब नींद होती है तो परमात्मा सुबह हिला के उठा देता है कि बेटा तेरा अगले दिन का काम शुरू हो गया, और परमानेंट स्लीप इज ए डेथ, इतना फर्क है वर्ल्ड्स का। तो हमको हर चीज को समझ के चलना चाहिए कि परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमको दिया, इतने अच्छे कर्म हमने पहले जन्म में किए जिसका भोग आज भोग रहे, जो आज करेंगे उसका भोग आगे भोगेंगे। ये 84 लाख योनियों का जो चक्कर है इसी तरीके से पूरा होता रहता है, और दुनिया संसार चल रही है और ये चलती रहेगी ऐसी की ऐसी। करोड़ों वर्ष पहले भी पृथ्वी थी, आगे भी ऐसी की ऐसी रहेगी, हमारे लोगों का आवागमन जो चलता रहेगा। तो अपने आप के मन के सुधार की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। तो दूसरा हुआ ध्यान योग, और ध्यान के अंदर का सही तरीके से आप एक्टिवेट अपने मन को कर लें तो इससे बढ़िया जिंदगी के अंदर कोई चीज़ नहीं है, और वो भी न विषय में न वासना में, परमात्मा के नाम में। बहुत ज़बरदस्त आनंद ही आनंद है जिसका कोई तोड़ नहीं है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।